हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, निगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि कैसा गुजरने वाला है आपका अगस्त मंथ। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। सो फर्स्ट कार्ड ही आ गया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल। ओके, एकदम से दोनों मेजर अरकानास आ गए हैं आपके लिए, तीनों, द एम्परर भी ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा मेजर गुजरने वाला है आपका अगस्त मंथ, मुझे दिख रही है। सो यहाँ पर है एट ऑफ वांड्स, फाइन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, डेविल के नीचे ही आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, देन फाइन। सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो द हर्मिट है। ओके, तो देखो मुझे दिख रही है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मायूसी है। इस टाइम पर आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, उस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो। जो भी सिचुएशन इस टाइम पर बिगड़ चुका है, तो डेफिनेटली अगस्त मंथ में आपका ये विश पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं डिवाइन इसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपको एंजल्स नंबर दिखे या फिर कुछ एंजल्स का साइन आपको दिख जाए। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली और 9 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगस्त मंथ के। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रही है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हैं, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर अलग से नज़र आ रही है, मुझे एरीज की एनर्जी दिख रही है, एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। ओके, सो आपका अगस्त मंथ स्टार्ट ही हो रहा है एक ब्यूटीफुल कार्ड से, आप देख सकते हो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून से। मुझे दिख रही है पिछले कुछ मंथ्स या फिर पिछले कुछ वीक्स आपके बहुत ज़्यादा बैड गुजर रहे थे, कुछ भी चीज़ों से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एंड मुझे दिख रही हैं आप कुछ एंडिंग से भी ऑलरेडी गुजर चुके हो। ओके, तो इस टाइम पर यानी अगस्त मंथ की स्टार्टिंग से ही आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही हैं, एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। हो सकता है इस टाइम पर आपको नया जॉब मिल जाए, हो सकता है इस टाइम पर आपको कुछ नया बिजनेस आइडियाज़ मिल जाए, हो सकता है इस टाइम पर आपका लव लाइफ फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है आप कुछ स्टक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे एंड इस टाइम पर आप उस सिचुएशन से निकलकर एक नया जिंदगी स्टार्ट कर लो। एंड उसके साथ भी आपका हेल्थ भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से किसी हेल्थ इशू को टॉलरेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, रिकवरी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो अगस्त मंथ है ना, अगस्त मंथ का स्टार्टिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कुछ न्यू बिगिनिंग इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो इस टाइम पर आपका प्रमोशन भी हो सकता है आपके कामों में, या फिर आपका बिजनेस में ग्रोथ भी आपको दिख सकता है, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है इस टाइम पर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। मुझे दिख रही है कोई एक इंसान आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी है उनके अंदर आपको लेकर, तो वो इंसान इस टाइम पर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ डार्क चीज़ों की मदद से आपके रास्तों पर कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो इस टाइम पर उसके ही वजह से आपको स्टक सिचुएशन में फंसते नजर आओगे, यानी आपके कामों में कुछ बर्डन्स आपको दिखाई देगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड इसके बाद है द एम्परर, दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। उसके एकदम से बीचों बीच में आया है द डेविल का कार्ड, तो इसके वजह से इस सिचुएशन में ना आप बहुत ज़्यादा देर तक स्टक नहीं रहने वाले हो, इससे आप बहुत फास्ट निकलने वाले हो। यानी हो सकता है कोई इंसान आपको इस सिचुएशन से निकाले, या फिर हो सकता है आप खुद ही निकल जाओ, बट इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में आप ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाले हो। एंड यहाँ पर लव लाइफ की तरफ से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, इस टाइम पर आप फिज़िकली किसी इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करने वाले हो, यानी फिज़िकल कनेक्शन इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ दिख रही है मुझे, किसी के साथ फिज़िकल हो सकते हो। ओके, सो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा कंसियस रहना है। एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो है द एम्परर का, तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रही हैं चेकबोर्ड हैं। कोई एक इंसान आपके साथ गेम खेल रहा था, वो हो सकता है आपके नेबर्स हो, वो हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, वो हो सकता है आपके ऑफिस कलीग्स हो, बिजनेस पार्टनर हो, आपका फैमिली का भी कोई इंसान हो सकता है जो आपके पीठ पीछे कुछ प्लानिंग कर रहा था बट आपको नहीं पता था।
आपके अगेंस्ट कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, तो इस टाइम पर उस इंसान को आप पकड़ते हुए दिख रहे हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कुछ ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है, ओके, कुछ चीज़ों का खुलासा, ट्रूथ्स आपके पास आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेट इस टाइम पर आप चेकमेट करते हुए दिख रहे हो, यानी आपको विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो बट उसके बारे में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पर वो काम भी आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड ये जो एम्परर का एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं एक किंग की एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा ऊपर का माना जाता है, तो डेफिनेटली इस टाइम पर आप एक किंग की वाइब्स में जाने वाले हो एंड आप चीज़ों को अपनी तरीके से हैंडल करते हुए दिख रहे हो, अपनी तरीके से कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, ओके। तो इस टाइम पर कंट्रोलिंग पावर आपके पास होता हुआ दिख रहा है चीज़ों का, एंड आपके पास कुछ अथॉरिटी भी आती हुई दिख रही है कुछ चीज़ों का, यानी अगर क्या बताऊँ, लैंड से रिलेटेड अगर कुछ मसला था आपके लाइफ में वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम था तो वो भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल जो मुझे दिख रही है अगस्त मंथ का जो पहला 15 दिन है वो अच्छा गुजरने वाला है ओवरऑल, बट इस डेविल एनर्जी की वजह से इस टाइम पर आप थोड़ा सा हेडेक ले सकते हो, थोड़ा सा टेंशन ले सकते हो, इसकी वजह से कुछ सर दर्द या फिर बॉडी पेन, इंटरनल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, ओके। सो बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही। देख लेते हैं कि आफ्टर के 15 दिन यानी बाकी जो 15 दिन हैं अगस्त मंथ के वो कैसा गुजरने वाला है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 of Wands हैं, तो इस टाइम पर आपके पास एक गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, कुछ मेल मैसेज के लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो वो चीज़ इस टाइम पर आप रिसीव करते हुए दिख रहे हो, कुछ कॉल टेक्स्ट के लिए अगर आप वेट कर रहे थे किसी की तरफ से तो वो भी आपके पास इस टाइम पर आता हुआ दिख रहा है। कुछ काम बहुत ज़्यादा तरीके से स्पीड के साथ बनता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, यानी अचानक से कुछ सिचुएशन बदलता हुआ आपको दिखेगा जो एकदम से नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में बदल जाएगा। कुछ कामों में आपको तरक्की दिखेगी, कुछ चीज़ों में आपको ग्रोथ नज़र आएगी, आप जो काम करते हो उसमें आपको उन्नति दिखेगी, ओके। तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, साथ में कुछ गुड न्यूज़, कुछ इन्विटेशंस, कुछ अच्छी सिचुएशंस क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 of Swords, तो इस टाइम पर आप देख सकते हो थोड़े से टाइम के लिए लोनलीनेस फील होने वाला है आपको, यानी कुछ चीज़ों में आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आपके सराउंडिंग्स के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, तो आप इस टाइम पर सेल्फ हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड इस टाइम पर आप कहीं पर अकेला घूमने भी जा सकते हो, अकेला कहीं पर बैठकर थोड़े से टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे दिख रही है इस सिचुएशन से आपको कोई इंसान बाहर भी ले आने वाला है, यानी आपको ये जो दिख रही है 3 क्रॉस हैं जो इस नाव को खींच रहे हैं, यानी ये नाव उसी तरफ जाएगा जहाँ पर ये लोग ले जाएंगे, ओके। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप अपना डिसीशन मेकिंग पावर है उसको लूज करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके डिसीशंस, आपके एक्शन कोई और इंसान लेने वाला है, यानी आप उनके बताए हुए रास्तों पर इस टाइम पर चलने वाले हो, क्योंकि आपका दिमाग इस टाइम पर काम नहीं करेगा, ओके। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, यानी इस टाइम पर आपका जो ऑरा दिख रही है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है मुझे, ओके। सो डेफिनेटली ये जो इंसान आपको इस सिचुएशन से बाहर ले आएंगे ये आपके शुभ चिंतक ही होने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 of Swords हैं, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर लाकर एक पॉजिटिव सिचुएशन में रखते हुए दिख रहे हैं, फिर से आप अपना डिसीशंस खुद लेते हुए दिख रहे हो, फिर से आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो, फिर से आप अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर हो सकता है आप किसी को ब्लॉक करो, हो सकता है आप किसी से मिलना बंद कर दो, हो सकता है आप इस टाइम पर किसी से बात करना बंद कर दो, तो इस टाइम पर वो चीज़, तो इस टाइम पर आपका मन फिर से क्लियर होता हुआ दिख रहा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाने वाले हो एंड इस टाइम पर आप एकदम से फ्रेश होते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर जो ब्यूटीफुल बात मुझे नज़र आ रही है, इस टाइम पर आप अपने फ़ोन को ना साइड करने वाले हो, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा तरीके से जकड़ने वाला है, जिसकी वजह से आप रियल वर्ल्ड में जीना भूल गए थे, तो इस टाइम पर आप फिजिकली वर्क करते हुए दिख रहे हो, ना कि मेंटली या फिर इमोशनली। इस टाइम पर आप दौड़ते हुए दिख रहे हो, सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हो, घूमने जाते हुए दिख रहे हो, लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से ही आप अपने टारगेट के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे इस टाइम पर। सो रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। सो लास्ट जो 15 दिन है अगस्त मंथ के, तो वहाँ पर मुझे कोई भी हेल्थ इशू नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने बॉडी फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, ओके। सो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए, ओके।
देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए। सो यहाँ पर है इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है इस टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो सुपर मून लिखा हुआ है। इस टाइम पर आपका जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, यानी कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो, कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। यानी एक्साइटेड इंसान तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका इमोशन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस टाइम पर आपके अंदर पेशेंस की कमी मुझे दिख रही है, यानी एक्साइटेशन में इंसान पेशेंस रखना भूल जाता है। तो इस टाइम पर ना आपको कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो एंड एक्साइटेड हो। ओके, तो आप अपने दिमाग को शांत करके ही कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेना उस टाइम पर मत लेना, ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड आपके लिए एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है, ये एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के ऊपर हार्ड वर्क किया है, बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के ऊपर एफर्ट लगाया है, तो उस एफर्ट का फल कहीं ना कहीं इस टाइम पर अगस्त मंथ में आपको मिलने वाला है। कुछ कामों का रिजल्ट आपके पास आता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पर फ्रूटफुल तरीके से रिसीव होता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ चीज़ें तो आपको हैंड टू हैंड ही यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपका जो अगस्त मंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। ओके, सो बाय।